तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स हमारे हैं। अगर आप कम्युनिकेशन चैनल्स पे देखते हैं तो ये आपका होता है नॉन वर्बल और वर्बल। हमने इसके बारे में पहले भी बातें कर ली हैं। वर्बल के अंदर आप ओरल एंड रिटन, आप मुंह से बोल सकते हैं, आप लिख के बता सकते हैं, तो ये भी हम पहले कर चुके हैं। और दूसरा हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। इसमें हो सकता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो आपका जैसे आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड से बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल हो जाता है, और अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में या स्कूल में किसी से बात करते हैं तो वो फॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे एक और इन्होंने दिखा रखा है क्लासिफिकेशन की ओरल आपका फेस टू फेस भी हो सकता है, जैसे आप और घर में लोग आपस में बात करते हैं, या फिर डिस्टेंस से हो सकता है, जैसे हम फोन पे बात करते हैं या आजकल इंटरनेट के थ्रू हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी, इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो भेजा था फीडबैक के बारे में। फीडबैक होता क्या है? इट इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। तो जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आप मुझे उसके बारे में हाँ या ना में कुछ जवाब देते हैं, तो वो फीडबैक होता है। तो बिना उस रिस्पॉन्स के मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात, ठीक है। तो द सेंडर नीड्स रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इन ऑर्डर टू डिसाइड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो फीडबैक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दे रखा है कि फीडबैक जो है वो रिस्पॉन्स हो सकता है, वो एक और तरीका हो सकता है कि आपने हाँ या ना में जवाब दिया, या आपसे मैंने कुछ पूछा आपने उस बात का जवाब दिया। ओपिनियन हो सकता है, आपको ये बात पसंद है कि नहीं, आप उसकी बारे में बोल सकते हैं। एक सर्वे हो सकता है जहाँ पे आप किसी चीज के बारे में अपना फीडबैक दे रहे हैं, आप बता रहे हैं ये चीज आपने कोई एक्सपीरियंस किया हो तो उसके बारे में आप बता रहे हैं। कमेंट हो सकता है, आप उसके बारे में अपनी राय बता रहे हैं। आइडिया हो सकता है, कुछ आइडिया आप दे रहे हैं किसी के पूछने पर। आपका एडवाइस हो सकता है, किसी को पूछने पे आप सलाह दे सकते हैं। रिजल्ट हो सकता है, आपने जो किया है उसका नतीजा। और रेटिंग हो सकती है, आपने जो बताया उसके बारे में कितनी रेटिंग है आपका, कितना सपोजिंग 1 to 10 का स्केल है तो उसमें वो कहाँ पहुंचता है। तो फीडबैक इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैसेज और इंफॉर्मेशन। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, क्यों? क्योंकि वो सोर्स एंड द रिसीवर दोनों को बताता है कि उनका मैसेज कैसे समझा जा रहा है। तो रिसीवर्स रिस्पॉन्ड टू द मैसेजेस रिसीव फ्रॉम द सेंडर। और ये आपको फीडबैक कैन बी नॉन वर्बल, जैसे स्माइल हो गया, किसी ने साय किया, आ वरी, नॉड सिर हिलाया, फ्राउन किया, कुछ गंदी शक्ल बना दी, तो ये आपका नॉन वर्बल हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, जब आप उसमें लिख के जवाब दे सकते हैं या मुंह से जवाब दे सकते हैं। और फीडबैक जो है वो आपके रिसीवर को कितना समझ में आया उससे पता लग जाता है सेंडर। तो यहाँ पे एक आपका छोटा सा एक्टिविटी था वहां पे। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक आपके दो तरीके के हो सकते हैं, स्पेसिफिक या डिस्क्रिप्टिव। तो स्पेसिफिक फीडबैक है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि स्टूडेंट ने अच्छा किया या नहीं अच्छा किया। जनरल फीडबैक है, गुड जॉब, यू डिड ग्रेट। और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक तब होगा जब आप पूरा अच्छे से उसको बताएंगे रिटन कमेंट्स या वर्बल कॉन्वर्सेशन में कि उसने क्या सही किया और उसको अब क्या करना चाहिए जिससे वो इम्प्रूव हो सके। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो है वो स्टूडेंट की लर्निंग में बहुत फायदा करता है। ये जो लिंक दिखा रहे हैं ये मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने देख लिया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपके एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये डिस्क्रिप्टिव है या जनरल है। तो अगर आपको ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम दिया जाता है, या यू मेंटेन आई कॉन्टेक्ट थ्रू आउट योर एंटायर स्पीच, नाउ यू माइट वर्क ऑन योर एनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन। आपको जब ऐसा फीडबैक दिया जाता है तो आपका ये डिस्क्रिप्टिव है या जनरल, ये एक्टिविटी आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। तो ये आपके 10 ऐसे ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर्स।
इसका भी मैंने आपको वीडियो भेज रखा है। तो इसमें आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्यों फेल होते हैं, बैरियर्स किस तरह के होते हैं, ये भी हमने बात करी थी। तो हमें अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना है तो इन बैरियर्स को हमें पार करके उस एक क्लियर एंड कंसाइज मैसेज देना होता है। तो यहाँ पे आपके बुक में इन्होंने बैरियर्स दे रखे हैं, ये मैंने आपको वीडियो भी भेजा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं, जो कंपनी में बैरियर्स हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, जैसे नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में कल्चर अलग है तो समझने में दिक्कत हो सकती है। पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, आपस में दिक्कतें हो सकती है। फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, जहाँ बीच में दीवार आ गई, डिस्टेंस आ गया। एनवायरमेंट बैरियर्स हैं, जहाँ पे शोर मच रहा है या माहौल अच्छा नहीं है। इमोशनल बैरियर्स हैं, जहाँ पे आपका किसी को दिक्कतें हो रही हैं, वो अपसेट है या उसका दिमाग कहीं और है। लैंग्वेज बैरियर्स है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जिसको तमिल नहीं आती वो हिंदी नहीं समझ पा रहा है, या इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है तमिल समझ पा रहा है। तो ऐसे अलग अलग आपके लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं। परसेप्चुअल बैरियर्स, आपको क्या लग रहा है आपके नजरिए से। जेंडर बैरियर्स, जो आपके आदमी और औरत के बीच में कुछ बैरियर्स आ सकते हैं। और सिमेंटिक बैरियर्स हैं, शब्द जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनके मतलब अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स इन्होंने बता रखे हैं कि आपका जैसे यूज ऑफ जार्गन है, जार्गन होता है जो भी आप वर्ड्स यूज करते हैं जो मेरे समझ में नहीं आते, ठीक है, ओवर कॉम्प्लिकेटेड या अनफेमिलियर टर्म्स हो सकते हैं। इमोशनल बैरियर्स की हमने बात कर ली है, हमने परसेप्शन इन सब की बात कर ली है, और फिजिकल डिसेबिलिटीज है जिसमें हियरिंग प्रॉब्लम्स या स्पीच डिफिकल्टीज हो सकते हैं। फिजिकल बैरियर्स, कुछ आपको हिलने में दिक्कत हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेजुडिसेस, अगर आप किसी के साथ दिमाग में आप रख के बैठे कि वो ऐसे ही है, वो लड़ाई करने वाला बच्चा है तो उससे मुझे बात नहीं करना, तो वो जो भी कहेगा वो हमें लगेगा वो लड़ने को ही तैयार है। कल्चरल डिफरेंसेस है, अलग अलग कल्चर्स का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो ओवरकमिंग बैरियर्स का हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का मैंने आपको वीडियो भेजा था, जिसमें आप ध्यान देते हैं किसी और की बात को और अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, अपने सारे सेंसेस को यूज करके आप समझते हैं और फीडबैक भी उसको देते हैं ताकि उसको लगे कि हाँ आप उसकी बात समझ रहे हैं। दूसरा, आप लैंग्वेज सिंपल यूज करेंगे, आप वो भाषा यूज करेंगे जो सबको समझ में आए। आप मेडिकल टर्म्स या कोई जार्गन, जो आप अजीब सा कोई BTW आपने लिख दिया तो बाय द वे, ऐसी चीजें किसी को समझ में आए ना आए तो लोगों को समझ आएगा नहीं, वो बोलने में हिचकिचाएंगे कि समझ नहीं आया। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है कि जो आगे आपके सामने है उसको आप ऐसा फीडबैक दें कि वो इम्प्रूव हो, ये नहीं कि वो हताश हो जाए। और समरी यहाँ पे आ गया है आपका, जहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे को समझने की उनकी इच्छा रहती है और कम्युनिकेशन के बेसिस पे ह्यूमन सोसाइटी आगे बढ़ रही है, और कम्युनिकेशन है जिससे ह्यूमन रिलेशंस आराम से चलते हैं। तो हमें बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है उसको समझ के अपने और आसपास के लोगों का लाइफ ईजी करना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे 7 C's of communication।